26व्या अजिंठा वेरूळ आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला आजपासून सुरुवात झाली आहे. MGMच्या रुक्मिणी सभागृहात महोत्सवाचं उद्घाटन प्रसिद्ध दिग्दर्शक आर बालकी यांच्या हस्ते झालंय. यावेळी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा, दिग्दर्शक अनुभव सिन्हा यांची प्रमुख उपस्थिती होती. या महोत्सवात प्रसिद्ध लेखक गीतकार जावेद अख्तर यांना पद्मपाणी पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलं. सध्याच्या काळात चित्रपट तयार करण्याचं आव्हान दिग्दर्शक यांच्या समोर आहेत. चित्रपट कसा असावा, समाजाला दिशा देणारा असावा. एखादे गाणे तयार करताना 8 ते 9 लोक ते तयार करतात, मात्र त्याला लोक पसंती देतात. ते गाणं जर चांगलं असेल तर ठीक, अन्यथा हे अवघड आहे. आज मला पुरस्कार देण्यात आला, मात्र त्यासाठी मी इतका पात्र नाही. त्या उंचीला जाण्याचा प्रयत्न करेल असं मत जावेद अख्तर यांनी व्यक्त केलंय. पाहत रहा तेज वार्ता न्यूज नेटवर्क. हस्ते इथे दीप प्रज्वलित होत आहे. दिस कॅटलॉग इन इट सेल्फ इज समथिंग दॅट यू वुड लाईक टू ट्रेजर बिकॉज इट हॅज बघू शकतो. थँक्यू, धन्यवाद. आणि यानंतर MGM फेस्टिवल आर ऑनर्ड टू बिस्टो द पद्मपाणी लाईफ टाईम अचीवमेंट अवॉर्ड फॉर द इयर 2024 अपॉन यू. आर पद्मपाणी सिलेक्शन कमिटी कंप्राइजिंग चेअरपर्सन मिस्टर गिरीश कासारवल्ली, आदरणीय अंकुशराव कदम सर आणि आदरणीय श्री नागलीवाल सर, या दोघांनाही विनंती आहे की हे यंदाच्या वर्षीचा पद्मपाणी जीवन गौरव पुरस्कार ज्येष्ठ कवी, गीतकार, शायर, संवाद लेखक आदरणीय जावेद अख्तर साहेब यांना आपण प्रदान करत आहोत. जोरदार टाळ्या आजच्या या सुंदर क्षणासाठी. आज कौन है? मैं समझता हूँ कि आज जो राइटर्स हैं उनके सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि कैसे आदमी को आज का हीरो कहें, किस तरह से कहें, क्या कहें. ये कन्फ्यूजन इसलिए है कि समाज में कन्फ्यूजन है. जब समाज क्लियर होता है कि क्या गलत है और क्या सही है, तब आपको बड़े कैरेक्टर्स मिलते हैं कहानियों में. जब समाज ही तय न कर पाए कि क्या गलत है और क्या सही है, तो फिर बड़े कैरेक्टर नहीं बन पाते. किस्सा ये है कि एक ज़माने में ज़िंदगी बड़ी सादा थी. अमीर लोग बुरे होते थे, गरीब लोग अच्छे होते थे कहानियों में. अब बात ये है कि हम सब के दिमाग में एक ही सवाल है, कौन बनेगा करोड़पति. तो अब हम अमीरों को बुरा नहीं दिखा सकते, हम तो खुद अमीर बनना चाहते हैं. तो हम बुरा किसको कहें, और जेल भी नहीं जाना चाहते. तो हमारे बड़े बंधन हैं हम पर इस वक्त. और मैं समझता हूँ कि ये जो यंग फिल्म मेकर हैं, इनका बड़ा इम्तिहान है कि आज आप किस तरह का चरित्र बना के पेश करेंगे और ये समाज किस चरित्र की पे वाह वाह करेगा. अगर कोई फिल्म जिसमें एक आदमी एक औरत से कहे कि तू मेरे जूते चाट, अगर एक आदमी कहे कि एक औरत को थप्पड़ मार देने में क्या खराबी है, वो पिक्चर सुपर डुपर हिट हो, तो ये बड़ी ख़तरनाक बात है. मुझे लोग बहुत बोलते हैं, साहब आजकल कैसे गाने होने लगे. गाने तो 6-7-8 आदमी मिलके बनाते हैं. चोली के पीछे क्या है, एक आदमी ने लिखा था, दो आदमी ने कंपोज किया था, दो लड़कियों ने उस पर डांस किया था, एक कैमरामैन ने शूट किया था, एक कोरियोग्राफर ने उसे अरेंज किया था. 8-9-10 लोग हो गए. ये 8-9-10 लोग थोड़ी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम यह है कि गाना समाज में सुपरहिट हो गया था, ये करोड़ों लोगों को अच्छा लगा था. ये डरावनी बात है. हमें ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इस वक्त सिनेमा बनाने वालों से ज़्यादा सिनेमा देखने वालों की है. ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप तय किए कि कैसी फिल्में बनेंगी और कैसी फिल्में नहीं बनेंगी.
हमारी फिल्मों में क्या संस्कार होंगे, क्या वैल्यूज होंगी, क्या मोरालिटी होगी और किसको आप रिजेक्ट करेंगे, ये फैसला आपको करना। बॉल जो है इस वक्त आपके कोर्ट में है। ये जैसे जो हमारे दो यहाँ बैठे हैं और भी हैं फिल्म मेकर, बहुत ज़्यादा नहीं हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, बल्कि शायद एक दो उंगलियाँ ज़्यादा निकले, लेकिन हैं। आप इनके साथ कितनी देर और कितनी दूर तक खड़े होंगे ये फैसला करेगा, ये बात फैसला करेगी भारतीय सिनेमा के फ्यूचर के बारे में, उसके भविष्य के बारे में। सो इसके बारे में सोचिए। थैंक यू। बहुत ज़्यादा आपने मुझे सम्मान दे दिया। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसके आसपास कहीं पहुँचने की कोशिश पहुँचूँ। मैं अभी तो नहीं हूँ। मैं बधाई देता हूँ आपको इस फिल्म फेस्टिवल की। खुशी है लेकिन हैरत नहीं है। मैं पला बढ़ा लखनऊ में हूँ, अलीगढ़ में, भोपाल में, नॉर्थ इंडिया में था। हम लोग सब एक्चुअली कूप मंडूक होते हैं, अपने अपने कुएं में रहते हैं और वही हम समझते हैं कि बस जो हमारा कल्चर है, हमारी भाषा है, जो हमारी लिटरेचर है, जो हमारा आर्ट है, बस वो है, बाकी तो क्या लोग जानते हैं। 20 साल का था जब मुंबई आया। मेरा पहला जो शौक था वो जब मैंने मराठी प्लेस देखे, मैं ज़मीन पर गिर गया। मैंने ऐसी कोई चीज़ कभी देखी ही नहीं थी। और धीरे धीरे महाराष्ट्र में रह के मेरी आँखें खुल गई और खुलती चली ही जा रही हैं। यहाँ महाराष्ट्र में जो इज्जत है कला की, वो शायद बंगाल में होगी, सुना है मैंने, लेकिन चाहे वो साहित्य हो, कविता हो, थिएटर हो, नृत्य हो, संगीत हो, एक आम इंसान उसकी इज्जत करता है, उसके बारे में सोचता है और उसे सम्मान देता है। ये बहुत उम्मीद की और बहुत आशा की बात है। हुआ यह है कि पिछले इतने बरसों में ऐसा नहीं कि हमने कुछ किया ही नहीं। जब भारत आज़ाद हुआ तो सुई नहीं मनाता था, आज कहाँ पहुँच गया है। आप लोग याद करेंगे जो भी 50 साल की उम्र से ऊपर होंगे, कि हमारे घरों में अगर बहुत जो चीज़ मशीन होती थी तो एक बिजली की इस्त्री, एक मर्फी का रेडियो, एक छत पे उषा का फैन, बस ख़त्म। ये भी बड़े खाते पीते घरों में होता था। मिडिल क्लास तो कार के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, जैसे आज मिडिल क्लास प्राइवेट प्लेन के बारे में नहीं सोचेगी। लेकिन हम कहाँ से कहाँ पहुँचे मटीरियली। लेकिन इस होड़ में ये खुशहाली की और एफ्लुएंस की ट्रेन पकड़ने के चक्कर में हमारा बहुत सारा सामान प्लेटफॉर्म पे रह गया। वो सामान था भाषा, वो सामान था साहित्य, हमारा क्लासिकल संगीत, हमारा क्लासिकल नृत्य, हमारा क्लासिकल थिएटर। हमने वो सब छोड़ दिया, भूल गए। हमारी पुरानी जनरेशन ने हमको किसी तरह से बहला के, पुतला के, समझा के चीज़ें दी थी, लेकिन हमारे पास समय नहीं था उनके बारे में सोचने का और अगली पीढ़ी को देने का, तो कहाँ समय। हम कल्प्रिट हैं, लेकिन देख के खुशी होती है कि आज भी इस देश का इतना बड़ा एक हिस्सा है महाराष्ट्र, जहाँ लोगों ने ऐसा नहीं होने दिया है, जहाँ आज भी एक आम इंसान, एक जिसे मामूली इंसान कहते हैं, उसके दिल में इन तमाम कलाओं की इज्जत है। और एक गरीब से गरीब आदमी इन शहरों का किताब खरीदता है, मैगजीन खरीदता है। मैं तो जब भी महाराष्ट्र के किसी शहर में गया हूँ, वो कोल्हापुर हो, सांगली हो, या यहाँ भी एक बार पहले आने का इत्तेफाक हुआ है, यहाँ भास्कर वालों ने एक कराया था ऐसा जलसा जिसमें Q&A किया था मुझसे, मगर वो आके उसी अगले दिन सुबह ही वापस चला गया था, कुछ समय नहीं यहाँ मिला। तो हर बार मुझे ये लगता है कि मुंबई तो खैर एक कमर्शियल शहर है,
वहाँ तो धंधे की कुछ बात करो, कुछ पैसा जोड़ो, चलता रहता है। उसके बाद भी लोग हैं जो कर रहे हैं और बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन हवा जो है उसके खिलाफ चलना पड़ता है वह। लेकिन उसके मुकाबले में हम जब इन शहरों में जाते हैं तो ये देख के खुशी होती है कि जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, उनकी सुरक्षा इन शहरों में हो रही है। तो मुझे कोई हैरत नहीं कि यहाँ एक फिल्म इंस्टीट्यूट बनेगा, इसलिए कि जो फिल्म है ये एक अजीब तरह की कला है। इसमें हम जितनी कलाओं का नाम लिया है ये सब की सब आके एक समंदर में गिरती हैं और उसका नाम है सिनेमा।